उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी को पकड़ने वाले ये दो लोग हैं जो पिछले काफ़ी समय से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे। शक्ति सिंह जुंडावत। आपने क्या किया था उस वक्त? हमने उन हत्यारों को पकड़वाया था। हम दोनों साथ में थे उनको कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़वाने में। प्रहलाद सिंह चुनाव। आपसे क्या वादा किया था सरकार? सरकार ने वादे किए थे कि नौकरी और आपको सुरक्षा के लिए हथियार किए, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ नहीं मिली। ये वादा आपसे किसने किया? मुख्यमंत्री जी निवास स्थान पर। उसके बाद अब क्या हुआ, कितने महीने बीत जाने के बाद? आज तक कुछ नहीं हुआ, आज 12 महीने बीत गए उस चीज़ को, लेकिन अभी तक हम इधर उधर भटक ही रहे हैं। किस किस से मिले आप? हम उस टाइम मिले थे, हमारे साथ में थे हमारे विधायक महोदय सुदर्शन सिंह रावत और प्रीति जी सक्ताज वल्लभ नगर विधायक और आरटीडी चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़। इन्होंने क्या, इन्होंने कितने दिनों में आपको नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात कही थी या कोई भी रोजगार? इन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात की थी मुझसे। अब आपको नौकरी नहीं मिल पाई या सुरक्षा का डर है? अभी नौकरी भी नहीं कर पा रहे, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और सुरक्षा का भी डर है। सुरक्षा किस बात की, किस बात का डर है? क्योंकि वो आतंकवादी थे और जब कन्हैयालाल जी ने उनसे सुरक्षा मांगी थी तो उनको सुरक्षा नहीं दी गई, तो कन्हैयालाल जी का उन्होंने गला काट दिया था। अब आपको अपने ऊपर क्या डर है? क्योंकि वो इंटरनेशनल आतंकवादी थे और जो जो दो आतंकवादी थे पाकिस्तान के, अभी वो उनके हाथ में आए नहीं है। आपको सुरक्षा इस बात को लेकर कि आपके साथ भी कहीं हमला नहीं हो जाए? हाँ, यही है कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। आप बीजेपी साथ क्यों आए हो? प्रतिपक्ष है तो यार के पास बात पहुंचाने के लिए। आप जी, यदि क्या वजह है कि अब उदयपुर हत्याकांड के कितने दिनों बाद वो आपके पास आए? नहीं, ऐसा है कि जो कन्हैया लाल जी के साथ जो हुआ उसके बाद ये जो दोनों लोग हैं इन्होंने पूरा सहयोग किया पुलिस का और इनकी वजह से वो लोग पकड़ में आए, दोनों आतंकवादी। उसके बाद सीएम साहब और पूरा जो कांग्रेस का जो उनके एमएलए हैं और उन सब ने इनको बुलाया, इनको आश्वासन दिया, कलेक्टर ने भी इनको सम्मानित भी किया, बहुत सारे इनको प्रोमिसज किए कि आपको नौकरी देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको गन लाइसेंस भी मिलेगा, पूरी तरह से आप सुरक्षित हो। ये लोग पूरी तरह से 5-6 महीने इन्होंने वेट किया कि कुछ ना कुछ इनको मिलेगा। बार बार ये मिलने जाते थे वहाँ के विधायक से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, लेकिन अब उनसे कोई मिल भी नहीं रहा, इनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहा। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे अप्रोच किया, वैसे मैंने इनको उस समय अप्रोच किया था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप आइए, लेकिन उन्होंने मुझे उस समय कहा कि नहीं, हमको तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और हमको इतना आश्वासन दिया है कि ये सब हमको दिया जाएगा। आप क्या क्या मदद करना चाह रहे हैं? तो ये मैं इनको कहना चाह रही हूँ मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम इनको नौकरी तो दीजिए। इनकी सूरत में जॉब थी, वो भी इनकी चली गई। इनको कोई एम्प्लॉय नहीं करना चाहता क्योंकि सब सोचते हैं इनको एम्प्लॉय अगर हम लोग करेंगे तो हमारे जो भी बिजनेस है उसको खतरा है। और इनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि आपने आतंकवादी उन दोनों के परिवारों को आपने सुरक्षा प्रोवाइड की है, तो क्या इनका हक नहीं बनता? इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब बीजेपी या आप अपनी तरफ से इनकी क्या मदद करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कहीं भी बातचीत करके अगर इनको नौकरी मिल सके तो बिल्कुल पूरा प्रयास होगा। सुरक्षा और अपनी मांगों को मनवाए जाने के लिए अगर अब बीजेपी का रास्ता जो है इन्होंने अख्तियार किया है। कैमरामैन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।